तारीख 20 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार। इस वक्त टीवी नए डिजिटल चैनल पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं छोटे पर्दे यानी टीवी की होनहार कलाकार वैशाली ठक्कर सुसाइड कांड की। इंदौर के चर्चित वैशाली ठक्कर आत्महत्या कांड में फरार चल रहा मोस्ट वांटेड मुलजिम राहुल नवलानी बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी पर जिला पुलिस ने 5000 रुपए की इनामी राशि लगा रखी थी। इस सनसनीखेज मामले में राहुल की बीवी दिशा पॉडकास्ट की एक कड़ी रिकॉर्ड किए जाने तक फरार बताई जाती है। अब इंदौर पुलिस का अगला निशाना दिशा नवलानी ही है। फरार चल रही दिशा की गिरफ्तारी को लेकर इंदौर पुलिस 3 प्रमुख उलझनों में है, जिनका जिक्र मैं आपके साथ इसी कड़ी में आगे करने वाला हूं। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश में जुटी इंदौर पुलिस अब अपने कानूनी सलाहकारों से मशवरा करने में जुटी है, ताकि कोर्ट में चार्जशीट किसी भी नजरिए से कमजोर दाखिल ना होने पाए, क्योंकि देश के इस कदर के चर्चित कहिए या फिर बदनाम आत्महत्या कांड में भी अगर गुनहगार पुलिस की कमजोर तफ्तीश के चलते साफ बच गए या बच गया तो इंदौर पुलिस को जवाब देते नहीं बनेगा। ऊपर से ऐसा होने पर पुलिस की छीछा लेदर कोर्ट कचहरी में जजों द्वारा की जाएगी सो अलग। बिग बॉस की पूर्व प्रतिभागी और ससुराल सिमर का जैसे सीरियल से चर्चित हुई अभिनेत्री वैशाली ठक्कर आत्महत्या कांड में वांछित मुख्य आरोपी वैशाली के पूर्व बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी की गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस इतनी खुश नहीं है जितना कि अब इंदौर पुलिस सामने खड़े सवालों के ठोस जवाबों की तलाश को लेकर पसोपेश में पड़ी है। इंदौर पुलिस के सामने खड़े ये सवाल या कहिए फिर माथापच्ची की फिलहाल 3 प्रमुख वजहें हैं। पहली वजह, अगर गिरफ्तार हो चुके राहुल की फरार चल रही पत्नी दिशा, जिसका नाम भी वैशाली ठक्कर द्वारा सुसाइड नोट में नामजद किया गया है, पुलिस से बचती हुई कोर्ट में सरेंडर कर देती है तो ये सीधे सीधे पुलिस की नाकामी ही कहलाएगी। माथापच्ची में जुटी इंदौर पुलिस के लिए परेशानी की दूसरी वजह है कि क्या फरार मुलजिम दिशा नवलानी गिरफ्तारी के बाद इस मामले को सुलझाने में पुलिस की मदद करेगी, क्योंकि वैशाली ठक्कर आत्महत्या कांड में फिलहाल फरार चल रही दिशा के सामने 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, वो पति को बचाने में साथ दे या नहीं। दूसरा प्रश्न, अगर वो सच उगलकर पति के खिलाफ बयान देती है तो उसका घर बसे और बचे रहने की थोड़ी बहुत बाकी जो उम्मीदें बची हैं कि उन पर पानी नहीं फिर जाएगा। तीसरा सवाल कि क्या पुलिस दिशा का उसके पति के खिलाफ और कानून के पक्ष में लचीला रुख देखकर पुलिस दिशा को उसके पति के ही खिलाफ सरकारी गवाह बनाने का प्रस्ताव उसके सामने रख सकती है, तब दिशा क्या जवाब या रास्ता चुनेगी, पति या फिर न्याय का साथ देने का रास्ता। यह तो तमाम उलझने रही मामले में गिरफ्तार हो चुके मुख्य आरोपी राहुल नवलानी की फरार चल रही बीबी दिशा नवलानी की। अब बात अगर करें इंदौर पुलिस की तो उसके सामने भी तमाम एक प्रश्न मुंह बाए खड़े हैं। मसलन मौजूदा बदतर हालातों में जब दिशा के सामने एक तरफ घर परिवार और पति का भविष्य अड़ा हुआ खड़ा है, ऐसे में वो पहले पति और घर परिवार बचाने को वजन देगी या फिर वो पति की हरकतों के चलते आज जिस बदनामी और बर्बादी के मुकाम पर आ खड़ी हुई है उसमें वो पति की खिलाफत करके कानून का शिकंजा अपनी गर्दन से ढीला करने कराने की सोचेगी। अगर दिशा पति के कुकर्मों से आज आ चुकी थी और उसका वैशाली ठक्कर को प्रताड़ित करने में कहीं कोई हाथ नहीं था तो वो अपनी गर्दन इस मामले से बचाने के लिए सरकारी गवाह बनना भी स्वीकार कर सकती है, मगर यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। पुलिस या कानून किसी को जबरिया सरकारी गवाह नहीं बना सकते हैं जब तक कि कोई खुद ऐसा ना चाहे। हालांकि अपराध जगत के तमाम सनसनीखेज मामलों की अब तक की पड़तालें अगर उठाकर पढ़ी देखी जाए तो जिन जिन मुकदमों में जांच एजेंसी ने मुलजिम को ही सरकारी गवाह बनाकर कोर्ट में पेश किया उन मामलों में आरोपी या आरोपियों को सजा शर्तिया हुई है, कुछ एक मामलों को छोड़कर। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।